एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है एक जटकी हॉल, क्योंकि इतने सारे लोगों के कमेंट्स एंड मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे कि आपको दी बहुत टाइम हो गया कोई जटकी हॉल नहीं लेके आए। तो मैं चाहती हूँ ना जटकी से, तो जैसे ही कुछ न्यू आए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ, चाहे वो साड़ी हो लहंगा हो, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फाइनली मैंने मंगवा लिए हैं 5 लहंगा एंड साड़ी है, एंड सभी एक से बढ़ के एक है। वैसे तो जटकी के बारे में सबको पता ही है, बहुत ही नोन वेबसाइट है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो ये एक एथनिक वेयर की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एथनिक वेयर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इजी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी है, वो आप एक बार जाके वेबसाइट पर चेकआउट कर लेना। इनकी डिलीवरी टाइम काफ़ी फास्ट है, प्रीपेड COD सब कुछ अवेलेबल है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। रिटर्न एंड एक्सचेंज के बारे में आप एक बार वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर लेना। वैसे जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखकर कुछ भी परचेज किया है उनको यहाँ की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और सीरियसली मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में लगती है और कलेक्शन काफी न्यू होता है। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, अगर आपके घर में फंक्शन वगैरह है, शादी है, तो लेना चाहते हैं, तो आज का कलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक से बढ़ के एक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं उस साड़ी से जिसको मुझे देखते ही जटकी में बहुत ही सुंदर लग रही थी, एंड मैंने सबसे पहले इसे ऑर्डर किया। सीरियसली बहुत ही सुंदर साड़ी है, किसी भी फंक्शन एंड ऑकेजन के लिए इनकी पैकेजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एंड इस तरीके की आपके वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। मैंने इसे खोल लिया बिकॉज मुझसे वेट नहीं हो रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी यार पिक में देखने पे। पूरी साड़ी है ना सिर्फ फैब्रिक में साड़ी है, इसका जो फैब्रिक है विचित्र सिर्फ फैब्रिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस व्हाइट मतलब बीच कलर है, हल्का सा बीच कलर है, व्हाइट शेड में ही है, एंड उसके ऊपर ये पूरा जो है मतलब पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये सिर्फ फैब्रिक है, तो आराम से आप इसे ड्रैप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ड्रैप हो जाएगी, और इतनी हैवी होने के बाद भी लाइट वेट है। और इसमें आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, प्लस एक कलरफुल वाला जो काम किया गया है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और एम्ब्रॉयडरी के साथ ना बीच बीच में ना मोती भी लगाए हुए हैं, पर्ल लगाए हुए हैं व्हाइट कलर के। यहाँ पे आपको एक बार पास से दिखाती हूँ, इस तरीके के पर्ल देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिनिशिंग क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यार अगर आप लेना चाहते हो ना बिल्कुल भी मिस मत करना इस वाली साड़ी को, कि किसी भी फंक्शन ऑकेजन में आपकी चल जाएगी। तो इस तरीके का आपको इसका आँचल देखने को मिल जाएगा, ये पूरा इन्होंने हैवी आँचल दिया हुआ है। एंड यहाँ से ये वाली साड़ी जब आप नीचे ड्रैप करते हो ये वो वाला पार्ट है, बाकी ऊपर वाला बिल्कुल आपको प्लेन देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको हैवी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा काम किया गया है इस पर। एंड इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लस किसी भी फंक्शन ऑकेजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें सब कुछ कलरफुल साड़ी है। एंड इस तरीके की साड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद, और इसका जो ब्लाउज है ना वो काफ़ी अच्छा स्टिच हो जाएगा। इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिलेगा, शाइनिंग वाला ब्लाउज है, शाइनिंग फैब्रिक है, बैंगलोरी सिल्क का साट और इसमें कुछ साटिन भी मिक्स किया हुआ है, तो उस तरीके का आपको फैब्रिक देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ना इतना ब्रॉड बॉर्डर देखने को मिल जाएगा जो कि आपके स्लीव्स पे आएगा, 1 मीटर का है, जो कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में भी आराम से आ जाएगा। और इस ब्लाउज के साथ इस साड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस वाली साड़ी को। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ यार, बहुत ही कम प्राइस में है, प्लस लाइट वेट भी, और इसका जो काम है ना इसका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी जटकी पे। हाँ, पर है ना बहुत सारे लोगों के अभी कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे मैसेज की, दी आपको जैसा मिला है हमें भी ऐसा ही मिलेगा। हाँ यार, मैं बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि अगर मैं किसी चीज़ का स्पॉन्सर भी हो, चाहे वो मेरी, या फिर चाहे मैं किसी चीज़ का रिव्यू कर रही हूँ आपके सामने, तो आपको कुछ अलग मिले, मुझे कुछ अलग मिले। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक भी होती है, वो गारंटी मेरी है कि यार होता है कई बार कि कुछ डिफेक्टिव आ गया या फिर मिस्टेक से कुछ गलत प्रोडक्ट मिल गया, तो वो गारंटी मेरी है। नहीं तो मैं आपको इस चीज़ के लिए श्योर कर रही हूँ कि मुझे जैसा मिलता है वैसा ही आपको मिलेगा, इतना सा भी फर्क नहीं आएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिना कोई डाउट किए आप परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा
ग्रीन कलर का लहंगा है, साइड में आपको पिक्चर प्राइस सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे पूरी डिटेल्स देखते रहना। एंड यार बिल्कुल एज इट इज वो की वो ही सेम कलर मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको खोल के बताती हूँ, इसको मैंने नहीं खोला, मैंने सोचा जस्ट आपके सामने ही इसे खोलती हूँ। एंड ये अच्छे से रैप होके आते हैं पॉलिथीन में, हाँ उसमें से मैंने इसे खोल लिया। एंड लुक एट दिस, बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा। यार मैं सोच रही हूँ पकड़ूँ कैसे एक बार, क्योंकि इतना हैवी है ना। एक सेकेंड, ओके। इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। पहले तो जो सारे लहंगा हैं सभी हैं सेम स्टिच, यानी कि एक साइड से खुले हुए। जस्ट आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हैं, जो भी साइज है ये आपके एक्सल डबल एक्सल तक आराम से आ जाएंगे। इसकी जो वेस्ट है वो है अप टू 42 से अप टू 44। अब स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। पहले तो ये पूरा लहंगा है जो मिरर वर्क एंड सिक्वेंस वर्क का लहंगा है। पूरे पे बीच बीच में सिक्वेंस लगाए हुए हैं, प्लस मिरर्स लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और ये जो मिरर्स हैं ये फॉयल मिरर है, जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फॉयल मिरर की। एंड इतने छोटे छोटे मिरर लगाए हुए हैं जो कि पूरा लहंगा फुल भर है, फुल लुक साइड में क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरीके का आपको मिल जाएगा, पास से बिल्कुल दिखा रही हूँ आपको। तरीके का आपको हैवी लुक देखने को मिल जाएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं बता पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लेयर है इस वाले लहंगे में। इसका जो फ्लेयर है वो है 3.5 से 4.25 मीटर का, मतलब आप एग्जैक्ट लगा लो 4 मीटर के आसपास फ्लेयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। एंड लुक एट दिस लहंगा, कितना प्यारा लग रहा है। कलर आप देखो कितना प्यारा है, प्लस इसका वर्क कितना प्यारा लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है ये वाला लहंगा। तो मुझे उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फ्लेयर वगैरह आपको साइड में क्लियर हो जाएगा, अंदर की साइड आपको इसमें इस तरीके का गोल्डन वाला जो है शिमरी वाला फैब्रिक लगाया हुआ है। प्लस आपको इसमें प्रॉपर साटिंग की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, हैवी कैंकन देखने को मिल जाएगी, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो बिल्कुल भी बस आपको तो लाना है पहनना है, कोई और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है वो है सिल्क फैब्रिक। इसका ब्लाउज आपको लहंगे में अटैच ही देखने को मिल जाएगा, एंड पूरा आपको सिल्क का ब्लाउज देखने को मिलेगा। काफ़ी हैवी है, वो ही आप देख सकते हो, फॉल मिरर का वर्क किया हुआ है, सिक्वेंस लगाए हुए हैं। और ये है फ्रंट और ये है बैक। स्लीव्स के लिए भी आपको साइड में इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा। एज इट इज़ आप वैसा वाला ब्लाउज इससे स्टिच करवा सकते हो। और इस ब्लाउज का फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर। अगर आप एक्सल साइज में भी हो ना तो भी आपके आराम से आ जाएगा। फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी सिल्क का फैब्रिक है। तो इसमें आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है यार, मतलब टोटल मिला के पूरा लहंगा ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कलर भी, इसका डिज़ाइन भी, फ्लेयर भी उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें आपको नेट का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ आप देख सकते हो ना, इस तरीके का काम किया गया है एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये वाला दुपट्टा इतना प्यारा है, आप इसे किसी भी कुर्ता सेट, कुर्ती या फिर व्हाइट कलर की आपके पास कोई भी कुर्ती हो उसके साथ पेयर अप कर सकते हो। काफी ज्यादा स्मार्ट लगेगा। एंड पूरा आपको नेट में 2.25 मीटर का देखने को मिल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड फॉइल मिरर की क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। इसमें आपको पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा देखने को मिलेगा, जिसे आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। लहंगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है पिंक कलर में एंड बहुत ही प्यारा लहंगा है। सभी लहंगों की प्राइस वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन पे मेंशन दिख जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्राइट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कलर लगा मुझे। प्लस इसका जो वर्क है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखा, लेकिन ऊपर से देखने पे ही इतना प्यारा लगता है। एंड पैकेजिंग तो आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छी आती है इस तरीके के लहंगों की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लहंगे से। एक तो ये पूरा लहंगा आपको कलियों वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। इसमें टैंक कली है जिससे इसका फ्लेयर है जो 4 मीटर का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लहंगे से। और ये फुल है ना ब्राइडल लहंगा है। अगर आपका संगीत है या फिर अगर आप अपनी शादी के अकॉर्डिंग भी लेना चाहते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। पूरा लहंगा आपको इटालियन सिल्क फैब्रिक में मिलेगा एंड पूरे पे आपको जरी का हैवी काम देखने को मिल जाएगा, प्लस सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा। साइड में मैं आपको है ना फुल लुक दिखा दूंगी कि कैसा लगेगा पहनने के बाद। एंड पूरे पे फॉल मिरर भी लगाए हुए हैं बीच बीच में, फुल जरी वाला भी, सिक्वेंस वाला भी, सब तरीके का काम देखने को मिल जाएगा। काफ़ी हैवी है, ब्राइट के अकॉर्डिंग काफ़ी परफेक्ट है, प्लस फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला लहंगा पहनने के बाद। तो इस तरीके का लहंगा है, प्लस ये कलियों वाला लहंगा है, तो टैंक कली है इसमें।
इसका फ्लेयर है 4 मीटर। अंदर की साइड आपको प्रॉपर इसमें सैटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी एंड नीचे की साइड इसमें आपको वो ही सेम है ना लाइनिंग लगवाई हुई है सैटिन वाली एंड यहाँ पे आपको कैंकेन देखने को मिल जाएगी। एक सेकेंड, कैंकेन इसमें अंदर की साइड लगाई हुई है यानी कि लाइनिंग के अंदर की साइड आपको कैंकेन मिलेगी, ऊपर से नहीं मिलेगी कैंकेन। एक्सेप्ट जो पिंक कलर है उसी कलर में आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा और ये इन्होंने इसके फ्रंट के लिए दिया हुआ है। सेम आपको बैक देखने को मिल जाएगा, स्लीव्स के लिए देखने को मिल जाएगा एंड पूरे पर जरी का काम देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको ब्लाउज भी फुल हैवी मिल रहा है, स्टिच छुड़ाने के बाद लुक काफी अच्छा आएगा एंड इससे आप जो है अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी है तो भी आप इसे आराम से स्टिच करा सकते हैं। इनफ फैब्रिक इन्होंने इसमें दिया हुआ है एंड ये इसका दुपट्टा है जो कि आपको सेम पिंक कलर में देखने को मिलेगा। दुपट्टा इन्होंने नेट का रखा है क्योंकि जो ब्लाउज है मतलब ये तो पूरा लहंगा ही है ना, फुल लुक ही काफी ज्यादा हैवी है। दुपट्टा भी काफी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि दुपट्टे पे आप बॉर्डर देख सकते हो ना, काफी ज्यादा ब्रॉड है एंड वो ही जो है जरी का काम किया गया है। नेट का दुपट्टा है पूरा 2.25 मीटर का एंड पूरे पे बीच बीच में स्टोन लगाए हुए हैं। यार क्वालिटी काफी अच्छी है, फिनिशिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। नेक्स्ट लहंगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा ना बीच कलर और पीच कलर में है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर भी है, मतलब पूरा आपको है ना एक अच्छा सा मल्टी कलर में लहंगा देखने को मिलेगा। एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मल्टी कलर में लहंगा लेके आओ एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। एक तो ये पूरा लहंगा है ना इतना हैवी है कि मुझसे समझ ही नहीं रहा है एंड पूरा लहंगा आपको सेम ही स्टिच देखने को मिलेगा, पीच कलर में देखने को मिलेगा। प्लस इसमें आपको सिक्वेंस, जरी, पर्ल और एम्ब्रॉयडरी सब कुछ एक ही लहंगे में देखने को मिल जाएगी, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बेस्ट है एंड कलर कॉम्बिनेशन तो ब्यूटीफुल है ही। इसका दुपट्टा ग्रीन कलर में है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है पीच के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये इस तरीके की आपको वेस्ट देखने को मिल जाएगी एंड पूरे पे आपको सिक्वेंस वाला काम देखने को मिल जाएगा, जरी वाला काम देखने को मिल जाएगा। मैं पास से बता रही हूँ, जिन्हें हैवी लहंगा चाहिए, अपनी शादी के अकॉर्डिंग चाहिए, किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग चाहिए तो डेफिनेटली इस वाले लहंगे को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी है इन अफोर्डेबल प्राइस। फुल लुक आप साइड में देखते रहना, नीचे की साइड आपका बॉर्डर आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा हैवी है और ये लहंगा वेट में भी काफी ज्यादा हैवी है तो उस अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड प्लस इसकी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, फिनिशिंग क्वालिटी। अंदर की साइड आपको प्रॉपर इसमें सैटिन की लाइनिंग लगाई हुई है एंड कैंकेन देखने को मिल जाएगी। अलग से आपको कैंकेन में पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, काफी बड़ी कैंकेन आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं फ्लेयर की बात करती हूँ वो है 3.25 मीटर का फ्लेयर जो कि काफी अच्छा आएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें कैंकेन लगी हुई है तो फ्लेयर काफी अच्छा आने वाला है। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा और अगर फैब्रिक है इसका इंडोसिल्क फैब्रिक है जो कि काफी अच्छा फैब्रिक है, क्वालिटी काफी अच्छी है एंड पहनने के बाद लुक तो काफी अच्छा आने वाला है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन काफी ब्यूटीफुल है एंड इसमें आपको इस तरीके का जो है ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये आपको दुपट्टे में अटैच ही देखने को मिलेगा, ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है, ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया हुआ है, बैक के लिए दिया हुआ है। फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज देखने को मिल जाएगा एंड इसका जो फैब्रिक है वो है 80 सेंटीमीटर यानी कि आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। जस्ट आपको इसमें अपनी लाइनिंग अटैच करवानी है और आप इससे स्टिच करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दुपट्टे की, तो इस तरीके का आपको ये वाला दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। कलर आप देख सकते हो ग्रीन कलर का दुपट्टा है, पीच के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड पूरे दुपट्टे में आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा प्लस सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे। पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है जिसे आप स्टाइल कर सकते हो जैसे भी आप स्टाइल करना चाहो। तो नेक्स्ट और लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है हल्दी के लिए बेस्ट साड़ी, येलो कलर में सिक्वेंस साड़ी है क्योंकि काफी सारे मैसेज आ रहे थे हल्दी के लिए ऑप्शंस लाने के लिए। तो मुझे ये जटकी पे साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगी, अगर आपको लहंगा नहीं पहनना तो अपनी हल्दी में आप साड़ी ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी लगेगी एंड ये पूरी साड़ी है ना सिक्वेंस की साड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साड़ी, लुक एट दिस साड़ी कितनी प्यारी है ना। एक तो मतलब कलर इतना प्यारा लग रहा है ये येलो कलर, वैसे मुझे येलो कलर कुछ खास अच्छा नहीं लगता है एंड पर इसमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि साड़ी का डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसमें आपको इस तरीके का तो आंचल देखने को मिल जाएगा, तो पूरी साड़ी जो सिक्वेंस फैब्रिक में है और इसका जो फैब्रिक है नेट के ऊपर पहले तो इन्होंने जो है सिक्वेंस लगाए हुए हैं, सिल्वर कलर के ही सिक्वेंस लगाए हुए हैं। प्लस आपको यहाँ पे फ्रिज देखने को मिल जाएगी और इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा आंचल पे, काफी खूबसूरत लग रही है, शाइनी लग रहा है ना एकदम। अगर आप
हल्दी में नहीं पहनना चाहते या फिर किसी और फंक्शन में पहनना चाहते तो डेफिनेटली ले सकते हैं। येलो कलर तो ऐसा है किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा परफेक्ट है एंड पूरे पे आपको सिक्वेंस देखने को मिल जाएंगे, आपको पूरा हैवी सिक्वेंस का आंचल देखने को मिल जाएगा। बाकी पूरी साड़ी है ना जब जो आप ड्रैप करते हो उसमें ओनली आपको नीचे की साइड बॉर्डर देखने को मिलेगा एंड पूरी साड़ी आपको नेट की प्लेन साड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, लुक काफी अच्छा आएगा पहनने के बाद एंड डिजाइनर साड़ी है उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो ये तो है पूरी साड़ी 5.5 मीटर की। ब्लाउज के लिए इन्होंने इसमें इस तरीके का सिक्वेंस का फैब्रिक आपको अटैच दिया हुआ है, ये है 90 सेंटीमीटर का अटैच फैब्रिक देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इसे स्टिच करवाना है और ये आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। साड़ी का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको अंदर की साइड पेटीकोट का कपड़ा भी देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है साटिन का फैब्रिक। तो बहुत सारे लोगों के तो यही कमेंट आते हैं कि दी नेट की साड़ी है तो पेटीकोट तो आना चाहिए, तो इसमें तो आपको अटैच मिल जाएगा, आपको अलग से पेटीकोट वाली टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वर्थ इट है, प्लस क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। 5.5 मीटर की साड़ी है, 80 और 90 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है जो कि मुझे हल्दी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा था वहाँ पे। तो गाइस ये था आज का कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आप देख रहे हो ना मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू कलेक्शन लेके आ रही हूँ सभी वेबसाइट से, आगे आपको बहुत ही अच्छा वाला कलेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले एंड टाइम से आप मेरी वीडियो देख पाओ। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।